5 राज्यों के विधानसभा चुनावों में मिली करारी हार के बाद कांग्रेस अब एक्शन मोड में आ चुकी है। मीटिंग का दौर चल रहा है और इस्तीफों का भी। वजह, आने वाले विधानसभा चुनाव। पूरे देश में सिमट रही कांग्रेस के सामने चुनौती है राजस्थान में अपनी सत्ता को बचाना। इन चुनावों से पहले कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने बड़ा एक्शन लिया। पार्टी सुप्रीमो ने उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा और मणिपुर के प्रदेश कांग्रेस कमेटी अध्यक्षों से इस्तीफा मांग लिया। अब सवाल ये कि क्या इस एक्शन का असर राजस्थान में भी होगा? क्या राजस्थान के नेताओं पर भी गाज गिरने वाली है? अब यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि पंजाब में जहाँ कांग्रेस पार्टी को सत्ता से बाहर होना पड़ा, तो उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में पार्टी का प्रदर्शन बेहद निराशाजनक रहा। ऐसे में सवाल ये कि इन राज्यों में चुनाव प्रबंधन की जिम्मेदारी संभाल रहे नेताओं पर उठने लगे। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि पंजाब में जहाँ कांग्रेस पार्टी को सत्ता से बाहर होना पड़ा, तो उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में पार्टी का प्रदर्शन बेहद निराशाजनक रहा। ऐसे में सवाल इन राज्यों में चुनाव प्रबंधन की जिम्मेदारी संभाल रहे नेताओं पर उठने लगे। और सबसे दिलचस्प बात तो ये है कि इन तीन राज्यों, खासकर पंजाब, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में चुनाव प्रबंधन की जिम्मेदारी राजस्थान कांग्रेस के नेताओं के हाथ में ही थी। सबसे निराशाजनक प्रदर्शन उत्तर प्रदेश का रहा है, जहां पार्टी महज 2 सीटों पर ही सिमट गई। ऐसे में राजस्थान कांग्रेस के जिन नेताओं को 3 राज्यों में चुनाव प्रबंधन की जिम्मेदारी मिली थी, अब उनकी कार्यप्रणाली पर ही सवाल खड़े होने लगे हैं। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में राजस्थान कांग्रेस के 3 नेताओं के पास बड़ी जिम्मेदारी थी, लेकिन इन 3 नेताओं की रणनीति भी पार्टी को दहाई के आंकड़े तक नहीं पहुंचा सकी। अलवर के पूर्व सांसद, पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव भंवर जितेंद्र सिंह उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी के चेयरमैन थे, तो पूर्व विधायक और पार्टी के राष्ट्रीय सचिव धीरज गुज्जर और जुबैर खान उत्तर प्रदेश कांग्रेस के सह प्रभारी। वहीं पंजाब में राजस्थान के प्रदेश प्रभारी अजय माकन और हरीश चौधरी की रणनीति काम न आई और पार्टी को यहां सत्ता से हाथ धोना पड़ा। हरीश चौधरी जहां पंजाब के प्रभारी रहे, तो अजय माकन स्क्रीनिंग कमेटी के चेयरमैन। वहीं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पूरे चुनाव प्रबंधन की मॉनिटरिंग कर रहे थे, तो सचिन पायलट भी लगातार इन 3 राज्यों में पार्टी प्रत्याशियों के समर्थन में ताबड़तोड़ जनसभाएं कर रहे थे, पर नतीजा वैसा नहीं निकला जिसकी उम्मीद की जा रही थी। वहीं उत्तराखंड विधानसभा चुनाव में भी राजस्थान कांग्रेस के 9 विधायकों सहित कई नेताओं को चुनाव प्रबंधन की जिम्मेदारी मिली थी। माना जा रहा था कि उत्तराखंड में कांग्रेस जनता के मन में विश्वास कायम करेगी, पर ऐसा नहीं हुआ। राजस्थान कांग्रेस के विधायक भी उत्तराखंड में पार्टी को जीत नहीं दिला पाए। जिन नेताओं को उत्तराखंड में जिम्मेदारी मिली थी, उनमें विधायक प्रशांत बैरवा, दानिश अबरार, इंद्राज गुज्जर, कृष्ण पूनिया। जिन नेताओं को उत्तराखंड में जिम्मेदारी मिली थी, उसमें विधायक प्रशांत बैरवा, दानिश अबरार, इंद्राज गुज्जर, कृष्णा पूनिया, वेद प्रकाश सोलंकी, इंदिरा मीणा, चेतन डूडी, रफीक खान और पूर्व महापौर ज्योति खंडेलवाल शामिल हैं। अब 5 राज्यों में हार मिलने के बाद पार्टी में मंथन का दौर शुरू हो चुका है। आने वाले समय में राजस्थान में भी चुनाव है। ऐसे में पार्टी कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती। अब देखना होगा कि राजस्थान में जनता का मूड क्या है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।